स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ नया मेथड, दैट इज एलयू डीप कंपोजिशन मेथड। स्टूडेंट यहाँ पे एलयू का मतलब होता है लाइक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कुल मिला कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, एंड देन फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर काफ़ी सारे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, और इससे जस्ट पहले मैंने गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड जो डायरेक्ट मेथड होते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के, उस पर मैंने आपको बताया था, और अभी ये तीसरा मेथड आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट इससे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर न्यूटन ऑप्शन मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, देन रुगला फालसी मेथड है, देन इटरेशन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, एंड देन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ये सभी टॉपिक पे मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आई टेब आ रहा है, यहाँ पे आप जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट बाकी जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और लाइक आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स आती है वहाँ पे आप मेरे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं और यहाँ पे आई टेब पे भी देख सकते हैं। और अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक करें और कमेंट जरूर करें, सो दैट कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। सो देखिए इस मेथड को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, या इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, या इसका नाम एक और होता है, दिस फैक्टराइजेशन मेथड इज आल्सो नोन एज चालंस्कीज मेथड, है ना, इसका ये वाला नाम भी होता है, तो नॉर्मली हम यहाँ एलयू डिकम्पोजिशन मेथड ही बोलते हैं इसको। सो ये मेथड क्या होता है, लाइक हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्म ये दे रखा है a11x1 a12x2 a13x3 b1, लाइक इस तरह से तीन इक्वेशन दे रखी है आपको। सबसे पहले इस मेथड को हम लिखेंगे ax = b, जहाँ पर ही जो ए मैट्रिक्स है वो ये होगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, है ना। इस मैट्रिक्स को हम l और u में फैक्टराइज करेंगे, जहाँ पर जो l होगा वो होगा 100 L21 10 L31 L321, और जो U होगा वो ये वाली मैट्रिक्स होगी, देखिए दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, और ये हमारे पास क्या होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिखेंगे, फिर लाइक हम यहाँ पे क्या करेंगे L21 L31 L32 इन सब की वैल्यूज निकाल के हम L और U की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट L और U की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, है ना, फिर ये जो UX मैट्रिक्स, लाइक देखो अभी हमने क्या करा, ये LU A की जगह क्या रखा हमने, LU रखा, है ना, और हम जानते हैं AX = B, और A की जो वैल्यू वो किसके बराबर, LU के बराबर है, तो स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं LUX = B। फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लाइक ये वाला दिख रहा है ये UX, इसको हम क्या मान देंगे, लेट UX = क्या ले लेंगे हम, Y ले लेंगे, है ना, तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा LY = B। यहां से हम सॉल्व करेंगे, यहां से हम Y की वैल्यू निकालेंगे, ये Y की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, ठीक है, फिर यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, और हमारा आंसर आ जाएगा x की फॉर्म में। तो भी मैं मेथड बताऊंगा कैसे, लाइक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, ये तो थ्योरी पोर्शन है, बट कैसे क्वेश्चन से करेंगे हम वो मैं आपको समझाऊंगा। पर यहाँ पे कुछ ऑर्डर है कि प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को, ये एल और यू मैट्रिक्स निकालने में दिक्कत आती है, तो ये यू और एल की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसके लिए लाइक तरीका है जिससे हम बहुत ईजिली इसको निकाल सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो ऑफ यू आप क्या करेंगे, जो यू की फर्स्ट रो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, लाइक U11, U12 और U13 निकालेंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉलम ऑफ L निकालेंगे, लाइक ये फर्स्ट कॉलम ऑफ L निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट कॉलम ऑफ L की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ये रहेगा L21 और L31 निकालेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम सेकंड रो ऑफ ये निकालेंगे, लाइक ये और इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम ऑफ ये निकालेंगे, है ना, फिर लास्ट में हमारा U33 निकल जाएगा, तो इससे हमारा L और U की वैल्यू निकल जाएगी। फिर L और U की वैल्यू निकलने के बाद तो हम मेथड सॉल्व कर सकते हैं आराम से इजीली। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो नाम होता है वो चालंस्कीज मेथड भी बोलते हैं इसको, तो कभी कभी इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा इस मेथड को, ठीक है। देखिए सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, जहाँ पे मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा आपको यहीं लिख के बता रहा हूँ। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 5 1 2 1 3 एंड देन 3 1 4, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे XYZ = ये आएगा हमारे पास 14 13 एंड 17, ठीक है ना, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सबसे पहले हम यहाँ पे A लिखेंगे, तो A मैट्रिक्स हमारे पास ये रहती है ना, और इस A मैट्रिक्स को हम किसके बराबर लिखते हैं 1 5 2 1 3 एंड 9 3 1 4,
इसको हम लिखते हैं एल इंटू यू, याद है ना मैंने आपको बोला था जो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको एल इंटू यू रखेंगे ना, ए इजी गुड क्या रखता है एल इंटू यू। तो लाइक वही हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 5 1 2 1 3 एंड देन 3 1 4, और यहाँ पे जो एल मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, यहाँ रखते हैं 1 0 0, देन ये आएगा एल 2 1 1 0, देन ये आएगा एल 3 1 एल 3 2 एंड देन 1। फिर हमारे पास जो यू मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है भैया, जो यू मैट्रिक्स आती है वो आती है हमारे पास U11, U12, U13, 0, U22, U23, then 0, 0 and U33। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ए मैट्रिक्स को एल इंटू यू लिखते हैं, जहाँ पर ये एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ये स्टेप तो मैंने बता रहा कि ये स्टेप तो सही है पर लाइक मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेस्ट है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये U11 आएगा, फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो U12 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो U13 आएगा, है ना। नाउ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा L21U11, है ना, ठीक है। एंड देन ये तो आपका जीरो हो गया, मतलब नहीं है, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा L21U12 एंड देन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा U22, है ना, बाकी तो जीरो हो जाएगा। देन ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ना, तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा L21U13, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा U23, ठीक है ना, बाकी तो जीरो हो जाएगा, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट L31U11, है ना, बाकी तो दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा L31U12, है ना, देन L32U22, है ना, बाकी तो 1 से 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं, है ना। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट L31U13, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा L32U23, देन 1 इससे मल्टीप्लाई आएगा दैट इज U33, है ना। तो लाइक इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लाइक इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सब की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक बार उसको हटा देता हूँ फिर अपन इसको करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा तो U11 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, U12 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा, और U13 किसके बराबर होगा, 13 आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर रखेंगे तो आपके पास आएगा L21U11 = 2, तो U11 की वैल्यू 1 है तो आपके पास जो L21 है उसकी वैल्यू कितनी बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, है ना। नाउ अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये L21U12, या एक काम करो बेटर है इसको निकालेंगे हम, है ना, तो क्या आएगा देखो L31U11, है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, है ना। अरे यार ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना, तो U11 की वैल्यू किसके बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे L31 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा ना। तो हमने क्या करा, फर्स्ट रो फर्स्ट को लो, अब अपन सेकंड रो देखेंगे, है ना। सेकंड रो में क्या होगा, ये तो हो गया कंप्लीट, अब इसको लो, है ना, तो इसको लेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये आएगा L21U12 + U22 = सेकंड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। स्टूडेंट L21 की वैल्यू कितनी है, 2, और L12 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस U22 = 1, तो ये 10 है, 10 उधर जाएगा तो U22 की वैल्यू कितनी बराबर आएगी, माइनस का 9 आ जाएगी, ठीक है, है ना। तो ये हमारे पास U22 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, L21U13 + U23 = हमारे पास किसके बराबर होगा, ये वैल्यू 3 के बराबर होगा, है ना, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी, ठीक है। तो वही L21 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, L13 हमारे पास कितना है, 1 प्लस U23 = 3, तो ये 2 है, तो U23 = ये 2 उधर गया तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये सब वैल्यू मिलती जा रही है आपको, इन सब वैल्यू को अपन लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 1 1 2 1 आ गया, अब हमारे पास 3 3 बचा है ना, तो 3 3 देखो ये लास्ट वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, है ना। L32 हमारे पास आ ही गया है, L32 बचा हुआ है ना, L32 की वैल्यू बची है, तो हमने क्या करा, अभी फर्स्ट इसका निकाला, फर्स्ट कॉलम निकाला, देन सेकंड रो, अब सेकंड कॉलम निकाल लेते हैं ना, तो सेकंड कॉलम में U12 की वैल्यू आ गई, है ना, अब इसकी वैल्यू भी हमने निकाली ली, U22 आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया, अब इसको ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या रहा, देखो ये L31U12 + L32U22 = हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, है ना, ये इसके बराबर होगा, ओके। सो U31 कितना स्टूडेंट हमारे पास, 3 है,
यू वन टू कितना है, यू वन टू, वन टू हमारे पास फाइव है ना, प्लस एल थ्री टू, एल थ्री टू हमने निकाला नहीं, तो इसको एल थ्री टू को एज इट इज लिख दीजिए। अब यू टू टू, यू टू टू हमने अभी निकाला, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस नाइन के बराबर, दैट इज इक्वल टू वन। तो फाइव थ्री से फिफ्टीन, फिफ्टीन उधर गया इंटू माइनस नाइन, तो स्टूडेंट ये होगा माइनस का फोर्टीन, तो एल थ्री टू इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस का फोर्टीन बाय माइनस का नाइन, दैट इज इक्वल टू फोर्टीन बाय नाइन, है ना। अब लास्ट में हमारे पास ये थ्री थ्री बचा है, इसको निकाल लेते हैं, तो इस लास्ट वाली लाइन को मैं लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा एल थ्री वन यू वन थ्री प्लस एल थ्री टू यू टू थ्री, है ना, प्लस यू थ्री थ्री इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, फोर के बराबर आ रही, तो थ्री वन एल थ्री वन, एल थ्री वन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, एल थ्री वन हमारे पास ये रहेगा थ्री, है ना, और वन थ्री हमारे पास रह गया वन, प्लस थ्री टू, थ्री टू अभी हमारे पास आया, दैट इज फोर्टीन बाय नाइन, है ना, और टू थ्री, टू थ्री अभी हमने निकाला, ये रहेगा टू थ्री इज वन, प्लस यू थ्री थ्री इज इक्वल टू हमारे पास आ गया फोर, देन ये आएगा हमारे पास यू थ्री थ्री इज इक्वल टू फोर, ये थ्री उधर जाएगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा, माइनस का फोर्टीन बाय नाइन, है ना। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास वन माइनस फोर्टीन बाय नाइन, दैट इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास माइनस का फाइव बाय नाइन, है ना। तो इस तरह से हम इन सबकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, ये सब वैल्यू निकाल के हमारे पास यहाँ पे एल मैट्रिक्स आएगी और यू मैट्रिक्स आएगी, वो उठा के हम यहाँ रखेंगे, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं आपको आगे समझाता हूँ क्योंकि वो बोर्ड भर गया ना, तो आगे बताता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल दी, फिर हम जानते हैं ए इज इक्वल टू एल इंटू यू, ये एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसकी मैंने वैल्यू बताई थी। अब सब वैल्यू जो आपने निकाली वो सब उठा के रख दीजिए, जैसे ये टू वन है, देन ये आपका ये थ्री वन है ना, देन ये हमारा थ्री एल थ्री टू है, ठीक है, इन सबकी वैल्यू रख दीजिए, ये होता है यू वन वन, यू वन टू, यू वन थ्री, देन ये आपका यू टू टू, यू टू थ्री, देन ये आपका यू थ्री थ्री, इन सबकी वैल्यू जो भी निकाली उठा के यहाँ रख दीजिए। अब स्टूडेंट होता क्या है, एल यू डिकम्पोजिशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, फिर जहां पर ए होता है वहां पर एल यू रख देते हैं, तो ये आएगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, फिर हम क्या करते हैं जहां पर भी एल ये यू एक्स होता है ना, लाइक इसकी जगह हम क्या रख लेते हैं, हम वाई रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं वाई, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो यू एक्स इज इक्वल टू हुआ उसको हम किसके बराबर रखेंगे, वाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पे होगा एल वाई इज इक्वल टू बी, है ना। अब ये एल वाई है ना, ये एल वाई मैट्रिक्स रख दीजिए यहां पे, क्या आएगी देखो, वन जीरो जीरो टू वन जीरो देन थ्री फोर्टीन बाय नाइन वन, है ना, इंटू वाई, वाई को हम मान लीजिए वाई वन वाई टू वाई थ्री, और बी हमारे पास क्या है भैया, बी हमारे पास दे रखा है 14, 13 एंड 17, क्लियर। नाउ इसको उठा के रखेंगे तो वाई वन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 14 आएगी, देन यहाँ पे आएगा हमारे पास टू वाई वन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, टू वाई वन प्लस, है ना, ये टू वाई वन, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस वाई टू इज इक्वल टू हमारे पास 13 आ जाएगा, देन हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी, दैट इज थ्री वाई वन प्लस 14 बाय 9 वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू हमारे पास 17। अब यहां से हम क्या करेंगे, y1, y2 और y3 की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 तो हमारे पास 14 आ गया, अब ये y1 की वैल्यू 14 उठा के यहाँ रख दीजिए आप, है ना, तो हमारे पास यहां से ये 14 उधर गया तो बचेगा माइनस वन, तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का 1 बाय 2 हो गया, ओ सॉरी y1 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 14, है ना, तो आपको सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये गलत लिख दिया मैंने, y2 y1 की वैल्यू 14 रखेंगे तो दिस इज 28 प्लस y2 इज इक्वल टू 13, सो ये 28 उधर जाएगा, है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 15, ठीक है ना, तो माइनस का 15 आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि 13 माइनस 28 दैट इज माइनस 15, राइट। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो देखो y1 की वैल्यू वापस यहाँ रखेंगे 14, तो 14 थीजा कितना हो जाएगा 42, देन y2 की वैल्यू माइनस का 15 रखेंगे हम, तो ये आएगा 14 9 माइनस का 15, है ना, प्लस y3 इज इक्वल टू 17। स्टूडेंट यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी, y3 की, और y3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी यहां पे, माइनस का 5 बाय 3 आएगी, कितनी आएगी, माइनस का 5 बाय 3 आएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास y1 y2 और y3 आ गया, है ना। अब हमने क्या बोला था, अभी मैंने आपको बताया था कि हम ये लेंगे, है ना, अब वापस यू एक्स, यू कौन सी मैट्रिक्स, अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, इसको सॉल्व कर, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दें, है ना। तो देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकाल ली है ना, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो किसमें दे रखी है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखी है, तो वापस हम क्या करेंगे, यू यू मैट्रिक्स कौन सी, देखो हमने यहाँ पे क्या करा, वाई वन वाई टू और वाई थ्री की वैल्यू निकाली, मतलब ये वाई वन वाई टू वाई थ्री, मतलब इस वाई की वैल्यू निकाल दी हमने, मतलब ये वाई की वैल्यू मिल गई, है ना। अब देखो यू एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमने इसको माना था यहाँ पे, ये यू एक्स को हमने क्या माना था, y माना था, तो ये एल वाई इज इक्वल टू बी बना, जहाँ पर एल ये है, y को हमने ये मान लिया, b ये मान लिया, ना वाई वन वाई टू वाई थ्री आपके पास ये मिल गया। अब देखो u, u हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारी u मैट्रिक्स है ना, तो ये मैट्रिक्स मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, तो ये आएगा वन फाइव वन जीरो माइनस नाइन वन एंड देन जीरो जीरो
माइनस का 5/9 है ना इंटू यू, यू क्या है भैया, सॉरी एक्स, एक्स क्या हमारे पास एक्स वाई जेड है इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया वाई वन वाई टू वाई थ्री है ना। सो वाई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14, वाई टू की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 15 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 5/3, ठीक है जी है ना। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे आएगी 14x है ना प्लस का सॉरी 4x है ना सॉरी एक्स प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 14 है ना, देन यहाँ पे आएगा ये 9y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस का 15 एंड माइनस का 5/9 जेड इज इक्वल टू माइनस का 5/3, तो भैया 5 से 5 कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल, तो जेड की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3 की मिलेगी, ये जेड की वैल्यू 3 उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 9y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 15, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 18, सो y इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा, देन y इज इक्वल टू 2 एंड z अभी आपने निकाला 3, इन दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, दैट इज x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 14, देन x की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है 5y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 तो ये आएगा 10 एंड z की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही दैट इज 14 और ये 13 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर मिस्टेक तो नहीं है तो आप यहाँ पे बकायदा इक्वेशन जो हमारी थी लाइक इक्वेशन थी हमारे पास क्या थी इक्वेशन हमारे पास x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 14 तो आप x की जगह 1 रखिए 1 आएगा देन ये 2 रखेंगे तो 10 आएगा एंड देन ये 3 इज इक्वल टू 14 बकायदा इसको सेटिस्फाई कर रहा मतलब दिस इज द राइट आंसर। स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता दूं ज्ञान दे दूं कि मैंने पूरा जो मेथड है उसके अंदर मेथड में किया क्या है तो ये मेथड में हमने सबसे पहले क्या किया कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा और आपको बोला जाए कि यूज द डिकम्पोजिशन मेथड एंड सॉल्व द इक्वेशन तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि जो भी इक्वेशन दे रखी उसको ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिखेंगे फिर ax इज इक्वल टू b फॉर्म में हम लिखेंगे मैं यहाँ पे वापस रिवाइज करा देता हूँ कि ax इज इक्वल टू b फॉर्म में रखेंगे फिर जो a है इसको हम लिखेंगे l इंटू यू लाइक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना जो मैंने आपको बताया था देन ये एल यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी है ना फिर यू एक्स देखो अभी मैंने यू एक्स की वैल्यू निकाली है ना इस यू एक्स को हमने क्या मान लिया था वाई मान लिया था है ना तो ये वाई हो गया एल हमारे पास ये मैट्रिक्स थी फिर वाई हमने ये लिया देन बी हमारे पास दे रखा है देन इससे हमने क्या करा वाई वन वाई टू वाई थ्री निकाल दिया मतलब वाई निकल गया आपका अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एक्स एंड देन वाई वाई हमने अभी जो निकाला लाइक क्या निकाला 14 माइनस 15 एंड माइनस 5/3 देन हम यहाँ से क्या करेंगे लाइक एक्स वाई जेड की वैल्यू आराम से निकाल देंगे एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ एल यू डिकम्पोजिशन मैथड। तो स्टूडेंट बहुत ईजी मैथड है सभी क्वेश्चन इसी टाइप का है तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन समझा के पूरा एक्सप्लेन करके खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आगे आपके सामने लेने वाला हूँ गॉस सीडल मैथड एंड जो जेकोबी मैथड है उससे हम कैसे ये इटरेटिव मैथड है इसमें आप इटरेशंस होती है ना बट ये सभी मेथड जो मैंने आपको बताया ये सब डायरेक्ट मेथड थे। अब हम इटरेटिव मेथड लेंगे यहाँ पे कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को इटरेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने जो पढ़ा है ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करते रहिए कुछ भी कमेंट करिए लाइक बताते रहिए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है सो देट कि मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँ है ना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है कम नहीं होता है और मेरे जितने भी वीडियोस हैं लास्ट वाली जो स्क्रीन है यहाँ पे आ रहे होंगे जो भी मैंने बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आईआईटी जेएम आईएएस ऑप्शनल या जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हायर मैथ्स आती है वो सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है आप इन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जाके आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बाय बाय।